उम्र छोटी है लेकिन हौसले बड़े हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली 14 साल की उन्नति हुड्डा की, जिनके खेल ने बड़े बड़े खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया। कटक में आयोजित हुई उड़ीसा ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में उन्नति हुड्डा ने बड़ा उलटफेर करते हुए जहां सेमीफाइनल में मालविका बंसोड़ को हरा दिया, तो वहीं फाइनल मैच में तोशनीवाल को 21-18 व 21-11 से हराकर एकल खिताब पर कब्जा कर लिया और सुपर 100 में सबसे कम उम्र में जीत हासिल करने वाली खिलाड़ी बन गई। अपनी इस जीत के बाद उन्नति हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पहुंची, जहां पर उनका मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। उन्नति हुड्डा रोहतक के छोटू राम स्टेडियम में एक सरकारी एकेडमी में प्रैक्टिस करती हैं। बेटी के सपनों के लिए पिता उपकार हुड्डा ने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। उन्नति ने कहा कि बड़े बड़े स्टार के साथ खेलने से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और खेल के दौरान उन पर कोई प्रेशर नहीं था। तो आपके परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? मेरे को मेरे कोच प्रवेश कुमार, मेरे पेरेंट्स सब मेरे को एनकरेज करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ये मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल का टूर्नामेंट था और इससे पहले मैंने इंफोसिस इंटरनेशनल चैलेंज खेला था सिंगल्स में, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया था। वहीं पिता उपकार हुड्डा का कहना है कि बेटी ने जो जीत हासिल की उसके पीछे कोच प्रवेश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। बेटी को खेल में समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। काफी अच्छा फील हो रहा है सर, और अभी हमें और ज्यादा मेहनत की जरूरत है क्योंकि अब और ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब उन्नति का गेम लोगों ने रीड करा है तो हमारे अपोनेंट्स भी हमसे ज्यादा तैयारी करेंगे। तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम अब इससे ज्यादा दुगनी मेहनत करें ताकि हम अपने अपोनेंट्स के साथ अच्छा खेल पाए। अगर आप पढ़ाई देखेंगे तो एक पढ़ाई में 100 बच्चों के सेम नंबर आ सकते हैं, बट स्पोर्ट्स में एक ही विनर होता है। तो इसके लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा और 100 से ज्यादा भी देना पड़ेगा, शायद से 200% देना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को उन्नति को मेरी सपोर्ट की जरूरत है। बता दें कि उन्नति का सपना अब ओलंपिक में मेडल लेकर आने का है। यही नहीं, अब वे अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्नति नॉनवेज नहीं खाती हैं, इसलिए जब भी कोई चैंपियनशिप में जाना होता है तो उनकी माँ उनके साथ जाती हैं और उनके खाने का ध्यान रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।